रायपुर की बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विधायक केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान केदार कश्यप ने कहा कि 6 दिसंबर को कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर होने वाला है। राज्यसभा के सांसद धीरज साहू की यहां राशि पाई गई है। साथ ही धीरज साहू के झारखंड, उड़ीसा अलग अलग ठिकानों पर तकरीबन 40 सदस्यीय टीमों ने दबिश दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जो गठबंधन है, जिसको हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं, ये तो पैसा जो है जनता का लूटा हुआ पैसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बेईमान है ना, उनसे उनसे पाई पाई वसूलने की बात कही। साथ ही कांग्रेस में जो राज्यसभा संसद बनने का पैमाना है, मापदंड है, जो लूट पाट करने वाले हैं उनको कांग्रेस राज्यसभा सांसद बनाती है। खराब हो गई, इतनी रकम वहां पर पाई गई। और कांग्रेस के एक और नेता का चेहरा उजागर हुआ है। राज्यसभा के सांसद श्री धीरज साहू, जिसके निवास पर विप्रास संपत्ति पाई गई और जो अभी तक जो उसमें रकम मिली है वो लगभग 200 करोड़ रुपये तो जब्ती हो गई है। वहां पर मशीन जो लगाई गई थी वो मशीन भी खराब हो गई, इतनी रकम वहां पर पाई गई। और जो धीरज साहू हैं, जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं और तीन तीन बार के सांसद हैं, झारखंड से रहने वाले हैं और इनके झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अलग अलग ठिकानों पर 40 सदस्यीय टीम के माध्यम से ये छापा किया गया। जो टीम थी, टीम को भी जानकारी नहीं थी कि वो जब निकले तो कहाँ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने वाले हैं। और उन्होंने उस पूरे कार्य को अंजाम दिया और अभी तक वहां गिनती चल रही है। और ये जो 200 करोड़ रुपए की राशि है, ये राशि अभी और भी बढ़ेगी। ये कांग्रेस का वास्तविक चेहरा लोगों के सामने आ रहा है। कांग्रेस के